प्रभावशाली निर्णय प्रक्रिया के लिए जरूरी तत्व, इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। सही समय पर सही निर्णय, ये सफल जीवन की नींव साबित हो सकता है, लेकिन ये सही निर्णय लेने में कुछ कठिनाइयां जरूर आती हैं। कई सारे विकल्प, कई सारी राय, बहुत से लोगों की सहमति, ऐसे कारणों से निर्णय लेने का समय खिंचता चला जाता है या फिर कभी-कभी निर्णय लिया ही नहीं जाता। लेकिन अगर सवाल है तो जवाब भी होगा ही। इस नियम के अनुसार सही निर्णय लेना या प्रभावशाली निर्णय लेने के लिए कुछ मुद्दों के बारे में विचार किया जा सकता है। पूरी निर्णय प्रक्रिया में इन मुद्दों से मदद मिल सकती है। उनमें से कुछ जरूरी तत्व देखते हैं। 6 ककार, क्यों, कब, कहाँ, कभी, कैसे और किसने। इन 6 सवालों का विचार जब एक साथ किया जाता है तब उसे हम 6 ककार कहते हैं। पहले बताए गए सवाल देखिए। हमने ये देखा कि हर सवाल क से शुरू होता है, इसीलिए इन्हें 6 ककार कहा जाता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले इन 6 ककार के बारे में सोचें। उनके जवाबों की सूचीबद्ध रचना करने पर सही निर्णय पर पहुंचने के लिए मदद मिलती है। अधिक जानकारी प्राप्त करें। ध्यान रहे कि आप कोई भी निर्णय ले रहे हो तब उसके बारे में पूरी और अद्यतन जानकारी आपको होना जरूरी है, तभी आप सही निर्णय ले सकते हैं। नहीं तो निर्णय लेने के बाद काम शुरू करने पर कोई अनदेखा मुद्दा सामने आ जाए तो उस पर काम करना मुश्किल हो सकता है। निर्णय लेने से पहले एक बार फिर से सभी जानकारी की पड़ताल करने के लिए या फिर उस क्षेत्र में कुछ नई गतिविधियां हुई हों तो उन्हें समझने के लिए उनका आकलन जरूर करें। फायदे नुकसान की पड़ताल करें। कई विकल्पों में से कोई भी एक विकल्प चुना जाए तो भी उन सब में से कुछ फायदे और कुछ नुकसान तो होंगे ही। निर्णय लेने के बाद उसके साथ उसके फायदे और नुकसान भी आएंगे। इन फायदों और नुकसानों के बारे में सोचकर, समझकर और रचना कर और उनकी संभावनाओं के बारे में सोचना, उनसे होने वाली कठिनाइयों के बारे में सोचना, उसके लिए कौन सी चीजों की आवश्यकता होगी, उसके लिए कितना समय देना पड़ेगा, ऐसी और इनके जैसी कई अन्य बातों पर सोचना निर्णय प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। सही समय तय करें। जिस किसी निर्णय पर पहुंचना है उसके लिए कौन सा समय सही होगा, ये निश्चित करना कसौटी भरा काम होता है। निर्णय प्रक्रिया में ये अहम मुद्दा साबित हो सकता है। इसका कारण है कि आप समय से पहले निर्णय लें या समय सीमा खत्म होने के बाद, दोनों स्थितियों में नुकसान तो होगा ही, क्योंकि कोई भी निर्णय सही समय में ही लिया जाए तो ही सफलता मिल सकती है। समय खत्म होने के बाद उससे हुए समय, पैसे का नुकसान गिनना तक मुश्किल हो जाएगा। अपने निश्चय पर कायम रहना। निर्णय प्रक्रिया के दौरान जिन मुद्दों के बारे में सोचा जाता है, जो क्रिया या प्रतिक्रिया होती है, उसमें अपने उद्देश्य से विचलित करने वाली कई सारी घटनाएं हो सकती है। ज्यादा अच्छे विकल्प या फिर आसान विकल्पों के बारे में सोचना, इस तरह की दुविधा होना स्वाभाविक है। लेकिन जरा सोचिए कि अभी जिन निर्णयों के लिए वैचारिक मशक्कत शुरू है, उसके पीछे आपकी पसंद, आपके शौक या फिर कोई पृष्ठभूमि हो सकती है। इस प्रक्रिया में अगर नए सिरे से सामने आए विकल्पों के लिए शुरुआत करने के बारे में सोचें तो इस निर्णय के लिए व्यतीत किया हुआ समय तो बर्बाद हुआ ही, साथ ही जिस नए विकल्प पर आप सोचेंगे वो समय भी बर्बाद होगा। ये बात आसानी से समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। आकाश बहुत अच्छा खाना बनाता है। उसे खाना बनाना पसंद है। करियर के लिए उसने केटरिंग का व्यवसाय करने का निर्णय लिया है। इसके बारे में जब वो सोच रहा था तब किसी ने उसे मसालों की बिक्री का व्यवसाय करना चाहिए ऐसा सुझाव दिया। इस व्यवसाय के बारे में आकाश के मन में जिज्ञासा निर्माण हुई और अचानक ही उसने मसालों की बिक्री का व्यवसाय करने का निर्णय ले लिया और तुरंत ही उसने मसालों के व्यवसाय का अभ्यास करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान उसे ऐसा लगने लगा कि शायद ये व्यवसाय करना उसके लिए आसान नहीं होगा, इसीलिए उसने वापस केटरिंग का व्यवसाय करने का मन बनाया। जब उसने दोबारा केटरिंग का व्यवसाय शुरू किया तब तक उसके हासिल किए हुए साधन और जानकारी इसमें बहुत फर्क आ गया था। आकाश को बिल्कुल नए सिरे से अलग तरीके से अभ्यास की शुरुआत करनी पड़ी। यहाँ थोड़ी देर सोचिए, आकाश ने अपना कितना वक्त जाया किया। अगर उसने अपना ध्यान बिना विचलित किए सिर्फ केटरिंग के व्यवसाय पर लगाया होता तो जो समय उसने मसालों के व्यवसाय पर व्यतीत किया उस समय में उसका केटरिंग का व्यवसाय शुरू हो सकता था। अपने अंतर्मन पर विश्वास रखें। एक सफल व्यवसायी ने अपनी सफलता के बारे में कहा था कि व्यवसाय न करने की कई सारी वजहें थीं, लेकिन व्यवसाय करने की एक ही वजह थी और वो थी मुझे करना है। याद रहे, अपने व्यक्तित्व की पहचान हमें खुद को ही होती है। मुझे क्या करना है, मैं ये कर सकूंगा या नहीं, इन सवालों के जवाब अपना ही अंतर्मन दे सकता है और वो कभी गलत नहीं होता। ध्यान रहे कि दो लोगों की राय कभी एक जैसी नहीं होती, इसलिए हर किसी से आपको प्रोत्साहन ही मिलेगा ये संभव नहीं है। ऐसे वक्त में खुद पर विश्वास रखना ही अच्छा होता है।